सीयूईटी वर्सेस बोर्ड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी और बोर्ड के कंपैरिजन की। तो वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7, माय नेम इज अमन मेहता और इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए और लास्ट में अपनी ओपिनियंस भी जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राउंड वन यानी हमारा सिलेबस। तो भाई अगर हम क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस की बात करते हैं तो वो सिलेबस जितना भी है सीयूईटी उससे ज्यादा पूछता है। तो अगर हम बात करते हैं कि अकाउंटेंसी की, अगर हम बात कर ले फॉर एग्जाम्पल कि हमने अकाउंटेंसी की बात करी, तो अकाउंटेंसी में अगर कितना आ रहा भाई, 12 चैप्टर्स आ रहे हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करो फिलहाल में, तो वही सीयूईटी में अकाउंटेंसी में आपके 18 चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो अगर हम कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स हो गया, तो सीयूईटी की बात करें और बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको जो भी आपको करने को मिलता है वो तो आपको करना ही करना है सीयूईटी में। सीयूईटी में एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आते हैं, तो सीयूईटी में एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स के बारे में बात करें तो अकाउंटेंसी के अंदर क्या आता है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एक्स्ट्रा आ जाता है, और क्या आता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग आ जाती है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के 4 चैप्टर आ जाते हैं, तो सीयूईटी में एक्स्ट्रा सिलेबस होता है। तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं यहाँ पर। तो पहला राउंड कौन जीतता है भाई, हमारा सीयूईटी जीतता है कि भाई इसके अंदर ज्यादा चीजें हैं। और अगर हम बिजनेस स्टडीज की भी बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, और सबसे मेन चीज सीयूईटी के अंदर स्कोप ज्यादा है क्योंकि वहां पर एग्जाम पैटर्न अलग है, तो वहां पर ज्यादा चीजें पूछे जाने का स्कोप है। ठीक है, तो पहला राउंड हमारे सीयूईटी के नाम। दूसरा, एग्जाम पैटर्न एंड नेगेटिव मार्किंग। तो फिर से हम कंपैरिजन करते हैं बोर्ड और सीयूईटी को। तो बोर्ड के अंदर एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मेनली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और थोड़े से 20 क्वेश्चन 20 एमसीक्यूज आ जाते हैं। और जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है बल्कि यहां पर तो आपको स्टेप मार्किंग भी मिलती है। तो भाई आपके लिए अगर हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की, तो भाई कोई भी क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा भी आता है तो जरूर लिख करके आइए, आपको उस स्टेप के भी मार्क्स मिलेंगे। सीयूईटी के जहां तक बात करते हैं तो यहां पर एग्जाम पैटर्न कैसा है, एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू है। ठीक, यहां पर आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या समझ में आता है कि भाई अब आप इस चीज का फैसला लेंगे कि भाई इस राउंड में कौन जीत रहा है, सीयूईटी के ये ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर आपको बोर्ड एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। क्योंकि यहां पर मैं नहीं होता कुछ भी बोलने वाला कि भाई बोर्ड एग्जाम में आपको आसानी रहेगी। कुछ बच्चों को प्रेजेंटेशन पूरा बनाना, प्रॉपरली सॉल्व करना मुश्किल लगता है, कुछ बच्चे एमसीक्यू इजीली कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि हम बात करते हैं शेयर कैपिटल चैप्टर की, तो उसके अंदर आपको इशू करने की एंट्रीज करनी होती है, फिर आपको कॉल्स इन एडवांस प्रोराटा ये सब करना होता है, और आपको यहाँ फोर फीचर इशू सब कुछ पता है, लेकिन आपको एमसीक्यूज में नहीं पता कि कितना डिटेल में क्या चीज पूछ सकता है। ठीक है, सीधे आपसे अगर पूछ लिया कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बता जो शेयर फोर फीचर से आएगा, तो भाई यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस फटाफट करना पड़ेगा। यहाँ पे कम से कम आप आराम से कर तो सकते हैं। ठीक है, और ये चीज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इवन यहाँ पे स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल जाते हैं। तो भाई अगर हम डिफिकल्टी लेवल वाइज देखें तो यहाँ पे भी सीयूईटी का थोड़ा सा पलड़ा भारी है। ठीक है, सब्जेक्टिव और एमसीक्यू कैसा भी हो सकता है उसके लिए मैं डिफिकल्टी लेवल चेक नहीं कर रहा, लेकिन जहां पर नेगेटिव मार्किंग का टेंशन है वहां पे स्टेप मार्किंग का फायदा मिल रहा है भाई, तो आपका बोर्ड एग्जाम में एडवांटेज है, और यहाँ पर सीयूईटी में आपको सोच समझ के ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक, फिर इसके बाद राउंड 3, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन। तो भाई सीयूईटी एग्जाम को प्रिपेयर करने में और बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ये भी अगेन एक सब्जेक्टिव चीज है कि भाई कोई स्टूडेंट स्लो है, कोई स्टूडेंट बहुत आराम से चीजों को समझता है, कोई स्टूडेंट फास्ट है, डिपेंड करता है, और सभी अपने आप में बेस्ट है, मैं आपको अभी भी यही बोलूंगा। ठीक है, कोई आपसे अगर जल्दी पढ़ लेता है इसका मतलब ये नहीं वो ज्यादा अच्छा है, कोई ना कोई हमारी लाइफ में हमसे अच्छा रहता ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में उन सब लोगों से अच्छा कर जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ खास बात जरूर होती है। तो
ये मोटिवेशन के साथ राउंड थ्री के बारे में बात करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन। तो आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है वो मैटर नहीं करता, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, ठीक है, आपके पास पूरा साल होता है, ठीक है, पूरा साल होता है जिसको जिसमें आपको प्रिपेयर करना होता है। ऑब्वियसली ऐसे ही होगा भाई, अप्रैल 11th पास होकर 12th में आओगे, अप्रैल से लेकर आप अपने फरवरी मार्च तक अपने तैयारी करोगे और मार्च में आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम सीयूईटी के बारे में बात करते हैं तो सीयूईटी का जो एग्जाम है, जैसे कि अभी अगर हम बात करें 15 मई से एग्जाम है, तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम आपका मार्च अप्रैल तक चलेंगे, ठीक है, और सीधे फिर आपका यहां पे एक महीना बचा है जिसके बाद आपका सीयूईटी का एग्जाम आ जाएगा। तो ये थोड़ी टेंशन वाली बात है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या हम एक साथ सीयूईटी और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? तो इसके ऊपर हर्ष सर ने एक प्यारी वीडियो बना भी रखी है, तो उसको जरूर देख लीजिए। और मैं अपनी तरफ से क्या ऐड करना चाहता हूं वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है और जो सीयूईटी का सिलेबस है उसमें कॉमन सिलेबस आप साथ में कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो वहां पर हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई सीयूईटी को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक महीना ही होता है, तो क्योंकि हम कॉमन सिलेबस जो पढ़ते हो आ रहे हैं एक साल भर से, वो आपको यहां पर भी एडवांटेज देंगे। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हर चैप्टर के अंदर जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ रहे हैं वो, दूसरी चीज इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश या हिंदी जो भी आप लैंग्वेज चुन रहे हैं सेक्शन वन के अंदर, तो हिंदी या इंग्लिश में से जो भी आप लैंग्वेज ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर टू की, आपके लिए कल ही एक और वीडियो आ जाएगी जिसके अंदर आपको मैंने सारे डोमेन सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में सीयूईटी का ज्ञान दे रखा है, तो वो जरूर देखिएगा, उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तीन सेक्शन होते हैं सीयूईटी में, सेक्शन वन लैंग्वेजेस का जिसके अंदर 13 लैंग्वेजेस होती है, जिसमें नॉर्मली बच्चे हिंदी या इंग्लिश को चूज करते हैं और उसका एग्जाम देते हैं। फिर सेक्शन टू आता है डोमेन्स का, जिसके अंदर वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े होते हैं, जैसे कि अगर हम कॉमर्स की बात करें अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सीएसआर। फिर आता है सेक्शन नंबर 3 जनरल टेस्ट, तो बच्चे जनरल टेस्ट भी देते हैं। तो अगर मैं सेक्शन 2 के बारे में बात करूं, यानी आपके बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है जो आपकी क्लास 12th के अंदर था, तो सेक्शन 2 तो आपका कवर हो सकता है, बस उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए आपको जो ये एक महीने का टाइम है पूरा का पूरा भाई इस पे झोंक देना है, ठीक। और अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की, तो आपकी जो इंग्लिश है वो 12th क्लास में जो आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, जो ग्रामर पढ़ रहे हो, वो नहीं है। यहां पे प्योरली ग्रामर, वोकैबुलरीज, ये सारी चीजें हैं, और वो भी बहुत बड़े लेवल पे है, यानी इतनी जितना आपने 12th क्लास में ग्रामर नहीं पढ़ी उससे ज्यादा है, आपकी हैबिट छूट चुकी है, आपने शायद इतनी चीजें नहीं पढ़ी है। तो डेप्थ में जाकर के इंग्लिश और हिंदी की आपको अच्छे से नॉलेज लेनी पड़ेगी ग्रामर की, तो इसलिए यहां पर यह चीज टाइम टेकिंग हो जाती है। और अगर मैं बात करता हूं कोई बच्चा जनरल टेस्ट दे रहा है, जीटी का भी एग्जाम सेक्शन नंबर 3 दे रहा है, तो भाई वो तो बिल्कुल ही नया है, क्यों? क्योंकि यहां पर करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होता है, यहां पर आपको करंट अफेयर्स का जीके भी पढ़नी होती है, रीजनिंग पढ़नी होती है, एंड साथ ही साथ आपको पढ़ना होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसको हम क्वांट बोलते हैं, ठीक है, ये मैथमेटिक्स है एक तरह से, जो आप बेसिकली अगर मैं आपको नॉर्मल से तरीके से बोलूं तो सरकारी नौकरी के लिए जो आप बच्चे पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके सी और करंट अफेयर्स, तो वो सारी चीजें हैं। तो जो जीटी है वो तो बेटा आपने कभी पढ़ा ही नहीं, इसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, इंग्लिश ग्रामर तो आपने फिर भी कहीं ना कहीं पढ़ी, तो आपका एक कनेक्शन है, तो आप और डेप्थ में पढ़ेंगे, टाइम भले लग जाएगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, यहां तो पहली बार स्वाद लोगे बेटा इन सब्जेक्ट का। तो इसलिए यहां पर टाइम रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें, अगर आप जीटी दे रहे हैं तो आपके लिए एक अलग गेम बन रहा है, अगर आप जीटी नहीं दे रहे हैं, आप लैंग्वेजेस और एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में फंसे हुए हैं, तो आपकी जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी अलग पड़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कि भाई आप किस तरीके से अपने सीयूईटी एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि भाई ज्यादा टाइम बोर्ड एग्जाम के लिए लगता है या सीयूईटी में सर फोड़ना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो बाकी ये सारी चीज जो टाइम रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, अब तो वैसे भी टाइम नहीं बचा है क्योंकि हमारे पास कुछ लास्ट के 2-3 महीने बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके सीयूईटी एग्जाम में, तो अभी हाई टाइम चल रहा है, तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है इस टाइम। और अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने अभी तक सही से पढ़ाई नहीं करी है, तो कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल जिस पर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं,
ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 26 नवंबर को 4 बजे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रिंसिपल लेकर आ रहे हैं, खल्लास कर देंगे, एकदम अच्छे से पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। पूरा का पूरा एक क्लास के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और साथ ही साथ जो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सैंपल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे सैंपल पेपर आपके लिए सॉल्व करवा के यहाँ पे होम पेज पे ही लगा रखे हैं। commerce@247 यूट्यूब पे जाओ और यहाँ पे होम पेज पे ही, होम सेक्शन पे ही देख लो, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सबके पूरे पूरे वीडियोस दे रखे हैं। यहाँ पे जैसे मैं अकाउंट्स का अगर ओपन करके दिखाऊं तो सारी की सारी वीडियोस में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है बोर्ड एग्जाम्स का, ठीक है। सर CUET के लिए बताइए, तो बेटा CUET के लिए आप क्या कर सकते हैं, Adda247 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर गूगल पर जाकर के सर्च करिए Adda247, और जैसे ही आपको यहाँ पे पहली वेबसाइट दिखेगी Adda247.com, इस पर जाइए, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करना है, CUET सिलेक्ट करना है, कॉमर्स है तो कॉमर्स CUET सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एक फ्रेश बैच आप लोगों के लिए आ चुका है जिसमें आप Section 1, Section 2, Section 3 सब पढ़ पाएंगे बेटा, इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स के डोमेन और जनरल टेस्ट, ठीक है। तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा, क्योंकि आप अगर खुद से पढ़ेंगे जो चीज आपने अभी आज तक नहीं पढ़ी है तो उसमें आपको समझने में ना जाने कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपके लिए यहां पर पूरी टीम है, 8 से 10 टीचर है जो आपको पढ़ाएंगे, मतलब एक दो टीचर नहीं है, देखो यहाँ पे सारे टीचर, 8 से 10 टीचर है जो आपको पढ़ाएंगे, एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में। और आपको क्या करना है भाई, इसको ज्वाइन करने के लिए बाय नाउ पे क्लिक करना है, जो भी आपको प्राइस दिख रहा है अभी, ये प्राइस अभी रिड्यूस होगा, आपको एक कोड बताते हैं, यहाँ पे एंटर कूपन कोड आ रहा है Y550, जैसे ही आप लगाएंगे कोड और अप्लाई करेंगे तो भाई आपका जो डिस्काउंट है वो बढ़ जाएगा और आपका प्राइस यहाँ पे कम होकर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेगा, ये आपके CUET एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक इसकी वैलिडिटी है, तो आप क्लासेस ले सकते हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, इसके अंदर आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी। और अगर बच्चे चाहते हैं कि सर हमें तो ई बुक्स से पढ़ने में मजा नहीं आता, हमें सर प्रिंटेड बुक्स चाहिए होती है, तो बेटा प्रिंटेड बुक्स CUET से रिलेटेड, CUET फोकस्ड जो बुक्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश और GT के लिए परेशान होंगे, क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर की बुक आपके काम की, मतलब आपके लिए है नहीं, तो आपके काम की बुक यहां पर आ रही है, इंग्लिश और GT की बुक। किसी को इंग्लिश लैंग्वेज की सेपरेट बुक चाहिए तो वो बेटा यहां पे आपको प्रिंटेड बुक मिल जाएगी, जिसके अंदर 1500 से ज्यादा क्वेश्चन भी है इंग्लिश लैंग्वेज के, प्रिंटेड एडिशन है, इसलिए आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। यहां पे भी आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और यहां पे भी आप कोड लगाएंगे तो आपको पूरा पूरा डिस्काउंट भी मिलेगा। कोड क्या लगाना है फिर से बता रहा हूं, Y550 कोड लगाना है, अप्लाई करते ही ये और ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। चलिए, आई होप ये चीज समझ में आ गई है, और अच्छे से पर्स पढ़ाई करते रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई CUET टफ है या फिर बोर्ड एग्जाम। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड कीप ग्रोइंग।